अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पिछले दो महीने से अधिक समय बीत चुका है और चुनाव की जिस दिन से घोषणा हुई है उसके बाद से अब आज पांचवें चरण का मतदान पूरा हुआ। पांचवें चरण अंतर्गत महाराष्ट्र की तमाम सीटें जहाँ मतदान की प्रक्रिया आज पूर्ण हो चुकी है, इसी कड़ी में पालघर जिले में भी आज ही मतदान हुआ और इस मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह था। पालघर में जो मुकाबला है वो हम सभी जानते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है जहां महाविकास अघाड़ी महायुति और यहां की बहुजन विकास अघाड़ी, इन तीन पक्षों के बीच में ये मामला रहा है। अब इस रिजल्ट तो 4 जून को आएगा तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस समय हमारे साथ वसई की सामाजिक संस्था KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण खान जी है, इनसे जानते हैं कि हालांकि ये बहुजन विकास अघाड़ी के सपोर्टर है और इनका क्या इस पर राय है, ये क्या कहना चाहेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप सारा दिन हमने देखा है कि काफ़ी उत्साह से आप लगे हुए थे, आपकी पूरी टीम आपकी संस्था लगी हुई थी और कहीं ना कहीं आप बहुजन विकास अघाड़ी को सपोर्ट करते हो, लेकिन वस्तु स्थिति क्या आपको लगती है? वस्तु स्थिति ऐसी है कि पालघर से लेके वसई तक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है और हम नाला सुपारा में और वसई में जहाँ जहाँ भी घूमे और जहाँ हमने देखा कि बहुजन विकास अघाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से वोट दिए गए हैं और हमारा अंदर से दिल और हमारे जितने भी ग्रुप KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी ग्रुप वाले थे सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और इसके अंदर बहुजन विकास अघाड़ी के राजेश पाटिल जी जो सिटी से खड़े हुए हैं उनकी इंशाल्लाह लाने चाया विन है और विक्ट्री होगी और काफ़ी वोट गिरे हैं यहाँ पे और अल्लाह ने चाहा कि वो यहाँ की सीट जीतेंगे और हमारी सबकी इस तरीके से दुआ है। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, आपकी पसंद बहुजन विकास अघाड़ी के पीछे रहने का कोई खास कारण, कोई खास वजह? खास वजह ऐसी है कि देखो, मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि सबसे पहले पड़ोसी का साथ देना चाहिए। पड़ोसी का साथ इसलिए देना चाहिए कि सुख दुख में वो ही खड़ा होगा। अभी कोई भी अगर बाहर से खड़ा हो जाता है और अगर बाई चांस चुन के भी आता है तो हम किसके पास में जाएंगे, और यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी रात को कभी भी हमको दिन में कभी भी किसी तरीके से कुछ तकलीफ हुई या कुछ परेशानी हुई तो हम कभी भी बिरार भी जा सकते हैं और कुछ भी हुआ तो फ़ोन पे हमारा काम हो जाता है। इसके वजह से हम लोग सब मिल के बहुजन विकास अघाड़ी के साथ में हैं और साथ में रहेंगे। कुछ बूथ पर हम भी घूमे थे, हमने देखा था कि बहुजन विकास अघाड़ी के जो लगाए गए बूथ थे वहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी के बूथ जो थे खाली थे। तो आपका खास करके जो बूथ था वहाँ काफ़ी सुबह से शाम तक चहल पहल थी, तो क्या आप लोगों में ऐसा है कि लोग एक तरफा बहुजन विकास अघाड़ी को ही वहाँ पर वोट करने के लिए निकल रहे थे, ऐसा क्यों? बाकी की दो पार्टी या और दूसरे लोग हैं उनको लेकर क्या इस तरह का माहौल बना हुआ है कि क्यों वो लोग उनको पसंद नहीं कर रहे? क्योंकि इसलिए करते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी आज जो वोट बहुजन विकास अघाड़ी को दे रहे हैं विकास के ऊपर दे रहे हैं, जिसके कारण आप रोड का काम है या फिर लाइट का काम है या फिर पानी का काम है या फिर साफ सफाई का काम है, जो भी काम है वो बहुजन विकास अघाड़ी बहुत अच्छी तरीके से करती है और बहुजन विकास अघाड़ी के साथ में विकास हर तरीके का होता ही है और विकास के लिए ही लोग जुड़ते हैं और बहुजन विकास अघाड़ी हमेशा इस चीज़ पे ध्यान भी देती है और काम कराती है। तो मतलब आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी हाँ, ये तो विक्ट्री है। मैं अभी से उनको राजेश जी पाटिल को दुआ देता हूँ कि वो विक्ट्री है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो ये कल्याण खान जी जो है वो दावा कर रहा है राजेश पाटिल बहुजन विकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत की। हम किसी की जीत का दावा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, एक ही चुनाव खत्म होने के बाद में एक एनालिसिस जो होता है वही एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी एनालिसिस के बेसिस पर हमने इनसे जानना चाहा था
दरअसल जब आज हम शहर में घूम रहे थे, हमने देखा कि जब इनके बूथ के पास हम पहुंचे तो काफ़ी ऐसा माहौल था कि बाकी के बूथ जो थे वो पूरी तरह से बंद नहीं बोल सकते लेकिन निष्क्रिय थे, वहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं थी। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के वहाँ बूथ पर काफ़ी आवाजाही थी और कहीं ना कहीं एक नहीं ऐसे कई बूथ है, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी फिर एक बार लीड करने वाली है। आगे के तीन जो तालुका है उसमें क्या है स्थिति, हमने वहाँ का दौरा मैंने तो पर्सनली नहीं किया है इसके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। और रही बात हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, खान साहब ने भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। हम आपको जरूर बताएंगे कि 4 तारीख को क्या होता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।